असलम एवरीवान कैसे हैं आप सब आई होप एवरी वन इज़ फ़ाइन और आज मैं थोड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मेरा पार्सल आ गया है पाकिस्तान से तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से ड्रेस मंगवाए हैं तो मैंने अपने लिए बिन सईद के ड्रेसेस मंगवाए हैं बिन सईद के ड्रेसेस अच्छे रहते हैं ख़ासतौर तो पर स्कूल में अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ड्रेसेस आए हैं मेरे तो जी सबसे पहला है मेरा ये ड्रेस और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसकी नेक और नेक की जो लेस है ना वो काफ़ी अच्छी लगी है सिंपल सिंपल आ, मैंने इसलिए ज़्यादा मंगवाया है प्रिंटेड और सिंपल क्योंकि स्कूल में आ, स्कूल के लिहाज से इस तरह के कपड़े जो हैं अच्छे लगते हैं ज़्यादा हैवी कपड़े आप स्कूल में कैरी नहीं कर सकते तो ये खदर का ड्रेस है ठीक है और ये खदर वैसी खदर नहीं है जैसे लोगों का ख्याल होता है कि बहुत ज़्यादा मोटी खदर होती है और उसको फिर आप बाद में नहीं पहन सकते और वो अकड़ी भी होती है नहीं बिल्कुल भी ऐसी नहीं है ठीक है और ये इसका ट्राउज़र है सेम वैसा ही ट्राउज़र है जैसी शर्ट है ठीक है और ये इसकी जो है ना शॉल है ठीक है और इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है ये जो कलर ब्राउन स्किन कलर है इसका आ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ठीक है ये देखें ये इसका पूरा प्रिंट है असल में ये ड्रेस मुझे इसके प्रिंट और इसके कलर की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो इसके कलर्स जो है ना अच्छे लगते हैं अच्छा जी जो दूसरा है ना आ, वो ये है ठीक है ये ड्रेस मैंने मंगवाया है और इसका जो कलर है ना प्लम कलर है आपको यहाँ पे शायद खिला हुआ थोड़ा सा पोप नज़र आ रहा होगा लेकिन ये ना प्लम कलर है ठीक है और ये मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ करीब से तो ये काफ़ी जो है ना प्यारा सा है यानी मुझे बहुत अच्छा लगा और पर्पल और प्लम कलर इज़ ऑल टाइम माय फेवरेट कलर ठीक है ये जो है ना ये इसका कलर है और ये आपको थोड़ा सा खिला हुआ है गैस के पर्पल नज़र आ रहा है लेकिन ये जो है ना बिल्कुल प्लम कलर है इसका जो शेड है तो प्लम हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और ये है इसकी शॉल ठीक है ये इसकी शॉल है और ये भी जो है न यहाँ के मौसम के लिहाज से आई थिंक वो बिल्कुल परफेक्ट है इससे ज़्यादा मोटी भी नहीं है ज़्यादा पतली भी बिल्कुल नहीं है और जो शर्ट का फैब्रिक है ना वो भी यहाँ के मौसम की सर्दियों के जो यहाँ पे फिंटर्स होती है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है तो ये था जी मेरा सेकेंड ड्रेस अच्छा जी उससे नेक्स्ट ड्रेस जो है ना वो ये है मेरा और थोड़ा सा पार्सल में ना ख़राब हो गया इसकी आयरन अच्छा इसकी सबसे मज़े की चीज़ पता है क्या है इसकी जो नेक की लेस है ना वो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि इसकी जो नेक की लेस है ना वो काफ़ी अच्छी है और उसके अलावा ये ऐसे स्लीव्स की लेस जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी है थोड़ा सा जो अच्छा नहीं लगा वो ये है कि थोड़ी सी जो स्टिचिंग है ना यहाँ से थोड़ी सी मुझे नहीं अच्छी लगी लेकिन अच्छा और उसके अलावा ये है कि इसका कलर मैंने समझा था कि ये ब्लैक है शायद आपको भी ब्लैक ही लग रहा होगा लेकिन ये डार्क ब्राउन है ठीक है जो तो जी ये है इसका ट्राउज़र ठीक है ब्राउन कलर का ही और ये है इसका इसकी शॉल ठीक है तो ओवरऑल ये ड्रेस भी अच्छा है डिफरेंट है मुझे अच्छा लगा अच्छा जी और दिस वन इज़ द लास्ट ब्लू सूट इसका ना मुझे ये, ये प्रिंट पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लग गया था और मैंने सोचा कि ये ले ही लेती हूँ हालांकि थोड़ी सी आउट ऑफ बजट जा रही थी लेकिन फिर भी मैंने ले लिया मैंने कहा चलो कोई नहीं एक एक ले लेती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका प्रिंट बहुत अपील कर रहा था मुझे तो ये मैंने ले लिया फिर और इन सबकी अच्छी चीज़ ये है कि आ, कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और इनके जो प्रिंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और जब आप मतलब स्कूल के लिए ना आपका अच्छा लगता है और ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कि बंदा कहे कि यार इतना हैवी क्या पहन लिया वो नहीं है स्कूल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं डिसेंट से हैं कैरी करना आसान है इनको ठीक है तो ये मेरे जो हैं ड्रेसेस थे जो मैंने विंटर्स के लिए मंगवाए थे उसके अलावा ये है कि कुछ और ड्रेसेस भी मंगवाए हैं वो मैं आपको अपनी किसी आ, नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी, ठीक है वीडियो में और इन ड्रेसेस के बारे में मैं ये कहूँगी सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुक इट लाइक अ वाव ठीक है तो आई होप कि आपको भी मेरे ये ड्रेसेस पसंद आए होंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे ठीक है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में मुझे याद रखेगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़